प्रदेश की योगी सरकार से मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो जाऊंगा। मेरे पास किसी छोटे या बड़े राजनेता का फोन अब तक नहीं आया। छोटे या बड़े राजनेता से समझिए, अमित शाह के फोन कॉल का यहां पर जिक्र हो रहा है, क्योंकि सियासी गलियारों में इस तरीके की चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने के लिए अमित शाह ने खुद फोन किया है। यहां पर उन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मेरे पास कोई भी फोन नहीं आया। अगर वो समय पर सतर्क होते, सार्वजनिक मुद्दों पर काम करते, तो बीजेपी को इसका सामना नहीं करना पड़ता। वहीं इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी के जिस नेता ने मुझसे बात की उनसे मैंने ससम्मान बात की है। मैंने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बंसल से बात की, उन्होंने कहा मेरी नाराजगी स्वाभाविक है, पार्टी के उपेक्षात्मक रवैये के कारण यह निर्णय लेना पड़ा और मुझे इसका दुख बिल्कुल नहीं है। प्रसाद मौर्य इस्तीफे देने के बाद तमाम लोग भाजपा से टूट चुके हैं और उनके साथ हुजूम उमड़ रहा है। मैं बाहर से अभी घर तक देख रहा हूं। सर, किस भाजपा से किसी का फोन आया आपके पास कि अपनी गलती का एहसास हुआ हो? देखिए, फोन तो ना मालूम कितने आए, लेकिन इस्तीफा देने के बाद मैं किसी भी टेलीफोन को अटेंड नहीं कर रहा हूं। चूंकि इस्तीफा दिया तो दिया, मैं कोई निर्णय लेने के बाद एक कदम भी पीछे नहीं हटता हूं। और ये मेरा निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार के ताबूत का ये अंतिम कील होगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को बड़ा घमंड है कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंक करके फिर से सरकार बना लेंगे, उनकी हैसियत का पता लग जाएगा 2022 चुनाव परिणाम आने के बाद। स्वामी का फैसला अटल है, यानी मान के चले स्वाभाविक रूप से एक बार राजनीति में लिया गया फैसला कभी पलटा नहीं जाता है। दिल्ली में आज दूसरे दिन की बैठक चल रही है, आप पर भी जिक्र हो रहा है कि कितना नुकसान होगा भाजपा को, किस तरीके से देखते हैं इसको? अब अगर यही चिंता और यही मंथन पहले किए होते तो शायद आज उनको ये दिन नहीं देखने के पड़ते। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनका कहना है कि फैसला अटल हो चुका है, अब स्वामी प्रसाद का लिया फैसला वापस नहीं होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार लोग जुड़ रहे हैं, उनका भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है। कॉन्फ्रेंस सनी के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।